subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सस्ते काल में प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में टूल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे के टूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका आता है क्लोन टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल और इरेजर टूल। ग्रेडियंट टूल हम बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ग्रेडियंट का यूज़ जो होता है वो कई तरीके से होता है। प्रोफेशनल यूज़ में हम किस किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे, कलर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो ये सारी के सारी डिस्क्रिप्शन में एक अलग से स्पेसिफाई वीडियो में ऑनलाइन ग्रेडियंट टूल के लिए बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको उसमें इसके बारे में बताऊँगा। तो आज हम सिर्फ तीन टूल के बारे में पढ़ेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल और इरेजर टूल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल से। तो दोस्तों, जैसे इसका नाम है क्लोन, क्लोन यानी कि डुप्लीकेट क्रिएट करता है। आप डुप्लीकेट कैसे क्रिएट करेगा, तो जैसे कि देखिए मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो जब हम क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आता है कुड नॉट यूज़ द स्टैम्प टूल बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइन करना है तो आपको ऑल्ट प्लस क्लिक टू प्रेस करना होगा, यानी कि आपको ऑल्ट का बटन दबाना है और यहाँ पर जो सोर्स आपको डिफाइन करना है, जहाँ पर जिसका आपको डुप्लीकेट चाहिए, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद अब इसको आप जहाँ पर भी चलाएँगे वो उसी तरीके से आने वाला है। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़। ठीक है, अब क्लोन स्टैम्प टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे इसको हल्का करना है या फिर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, तो यहाँ पर आप जा करके ब्लेंडिंग मोड में आप जो भी आपको मोड चाहिए, डार्कन चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से मल्टीप्लाई लेते हैं। मल्टीप्लाई लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब इसको मैं चला रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लाई में क्या हो गया, वो डार्क हो के आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम इसको चलाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका ना एक प्लस का साइन आता है, ये वाला जो प्लस का साइन आ रहा है, ये प्लस का साइन जहाँ तक जाता है ये एरिया वहीं तक खींचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर इसका सिलेक्शन लेता हूँ, मैंने ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब इसको मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्लस का साइन आ रहा है, ये जहाँ तक जाएगा ये वहीं तक इमेज आएगी, बाकी फिर वो इमेज वहीं से उतना ही पार्ट रह जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर वो उतना लाइन टाइप में शो हो रहा है। तो ये आपका क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ होता है। अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई हमने कर लिया, फिर आता है आपका ऑपोसिटी, यानी हल्कापन किस तरीके से करना है। ठीक है ना, अब ये ऑपोसिटी और फ्लो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको अलग बताने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल अब देखिएगा, ऑपेसिटी का मतलब होता है सिर्फ हल्कापन करने के लिए, यानी ज़्यादा डार्क ना हो, सिर्फ हल्का हल्का काम करे। उसके बाद देखिए यहाँ से आता है करंट लेयर। करंट लेयर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो इमेज ले रखी हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इमेज को इसके ऊपर मैंने इसे मूव करा लिया, इसको यहाँ पर मूव करा लिया, अब मेरी दो इमेज हो गई। ठीक है, दो लेयर हो गए, सॉरी। अब दो लेयर होने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लिया, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, करंट लेयर कर रखा है। करंट लेयर का मतलब कि जहाँ पर मेरा क्लिक है उसी लेयर पर मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया। अब मैं जब इसको चलाऊँगा तो वैसे के वैसे वहीं पर वर्क करेगा। ठीक है ना, अगर मैं इसके ऊपर अब करना चाहूँ तो वो नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ से करंट लेयर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको करंट एंड ब्लो, करंट यानी कि जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा और उसके अलावा दूसरा लेयर आप सेलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर वो काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, ऑल लेयर पे क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे लेयर जितने भी रहेंगे आपके हर एक पे, आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर काम करेगा। आपने ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया, यहाँ पर जा रहा है आपका क्लिक, किसी भी लेयर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ पर जाकर इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो नहीं, ये वर्क कर रहा है आपका।
ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्लोन स्टैम्प के सारे प्रॉपर्टी और उसके यूजेस। अब उसी के अंदर हम जाते हैं। अब अंदर के टूल्स खोलने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे देन वो वीडियो आपको उसका ऑप्शन जो आता है वो खुल जाएगा। तो यहाँ से हमने पैटर्न स्टैम्प टूल लिया। पैटर्न स्टैम्प टूल लेने के बाद यहाँ पर पैटर्न स्टैम्प टूल का देखिए जो यूज़ होता है वो होता है पैटर्न क्रिएट करने के लिए। पैटर्न जैसे कि अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैटर्न्स मिलते हैं जो फोटोशॉप के अंदर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। मैंने ब्रश का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करके मैंने इसे चलाना चालू कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पैटर्न किस तरीके से चाहिए, अब देखिए मैंने इसी इमेज के ऊपर पैटर्न को चला दिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका इमेज नहीं दिख रही है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट भी अप्लाई करता हूँ तो वो देखिए मैंने जो इसके ऊपर एक इमेज ली थी अलग से सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हुआ है, बैकग्राउंड पर अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि हम एक ही लेयर पर चलता है। अब मैं यहाँ पर जैसे उसका मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह कुछ भी उसका इफ़ेक्ट चेंज करूँगा, ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक उस पर काम करेगा। लेकिन जब आप कोई स्पेशल वीडियो पे सॉरी कोई स्पेशल इमेज पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी इमेज है, अगर इस पर आप काम कर रहे हैं सिंगल लेयर इमेज है तो आप यहाँ से न्यू लेयर लेंगे देन उसके बाद आप अपना पैटर्न प्रेस जो भी आपको पैटर्न चाहिए अपने पैटर्न सेलेक्ट किया देन उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, ओपेसिटी चेंज करनी है, जो भी चेंज करना है आपको वहाँ से करके आप उसको देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से वो दिख रहा है। अब ये पैटर्न क्या होते हैं, सिर्फ इतने ही होते हैं कि और भी होते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है, जब आपको यहाँ पर ये सेटिंग का साइन आता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो जब यहाँ पर हम नीचे जाएंगे आर्टिस्टिक सरफेस, आर्टिस्टिक ब्रश कैनवास, कलर पेपर, ये सारे क्या पैटर्न के टाइप्स हैं, अगर वो सॉरी पैटर्न के स्टाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ यस, तो देखिए पैटर्न्स जो हैं वो जो इसमें थे वो यहाँ पर आ जाएंगे जो भी आप खोलेंगे। रॉक पैटर्न खोलना चाहते हैं तो रॉक पैटर्न खुल जाएंगे। अगर आप टेक्सचर फिल खोलना चाहते हैं तो टेक्सचर फिल खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जो भी पैटर्न आप यहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में। अब हम आते हैं हमारे हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। हिस्ट्री ब्रश टूल का जैसे कि इसका नाम है हिस्ट्री, यानी कि जो भी आपने इस पर क्रिएट किया है और ओरिजिनल इमेज जैसी थी उसको वैसा ही बना देगा। तो मैंने यहाँ पर इसको चलाया देन देखिए मेरी इमेज जो भी मैंने यहाँ पर चलाया था वो सब कुछ हट गया है, ठीक है। लेकिन जो है इस पर ब्लेंडिंग मोड बर्न आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया था इसलिए। एक्चुअली में देखिए हिस्ट्री टूल का यूज़ होता है क्या है, हमको लगता है कि वो लेयर का डुप्लीकेट मतलब वो इरेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सिंगल लेयर है, ठीक है ना, अगर मैं इसके ऊपर कुछ करूँगा तो हमको लगेगा कि ये इरेज कर रहा है, यानी मेरी इमेज जैसी ओरिजिनल थी वैसे काम कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई न्यू लेयर लेकर के देन उसके ऊपर मैं कुछ कलाकारी दिखा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वही पैटर्न स्टैम्प टूल लिया देन उसके ऊपर मैंने चला दिया यहाँ पर इसको। अब मैंने इसको चलाने के बाद अब मैं इसको हिस्ट्री ब्रश टूल चलाता हूँ, ठीक है ना, न्यू लेयर पर होने के बाद। तो देखना कि आप न्यू अब इरेज तो हो गया वो, तो यहाँ पर देखिए आपका एक न्यू लेयर पे उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। कंट्रोल टी करके जब आप उसको मूव कराएंगे देन वो मूव भी होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये चीज़, तो ये आपका हिस्ट्री ब्रश टूल होता है। अगर आपने कोई लेयर क्रिएट कर रखा है और उसके ऊपर चला रहे हैं तो वो उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल लेयर पर चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिंपल लेयर है और मैं इसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश टूल को चला रहा हूँ तो इस पर कुछ नहीं होगा और जैसा था हमारी ओरिजिनल इमेज वैसी हो जाएगी, यानी उसका डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में क्या होता है, इसको ब्लरिंग टाइप में यूज़ करने के लिए, जैसे आप किसी इमेज के अंदर किसको ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें भी ब्रश के स्टाइल वही होते हैं, ओपेसिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम आते हैं इरेजर टूल के अंदर। इरेजर टूल में देखिए क्या होता है, इरेजर टूल होता है इरेज करने के लिए, जाहिर सी बात है इरेज करने के लिए को नाम इरेज तो इरेज ही होगा। अब देखिए जैसे कि मेरे यहाँ पर दो लेयर हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक लेयर को हाइड कर दिया, मैं बैकग्राउंड पर हूँ अभी फ़िलहाल, मैं बैकग्राउंड वाले इमेज पर हूँ। अब मैंने यहाँ पर इरेज लिया, मैं एक इमेज दूसरी इमेज पर आया हूँ, मैंने बैकग्राउंड वाले इमेज सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर चला रहा हूँ इसको,
तो देखिए इसमें वाइट कलर आ रहा है, इसमें वाइट कलर एक्चुअली में वाइट कलर नहीं है, इसमें जो कलर बैकग्राउंड में सिलेक्ट होता है वही वाला कलर यहाँ पर आता है। अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ यानी इरेज कर रहा हूँ, तो वो देखिए रेड कलर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कलर इरेज होता है जो बैकग्राउंड में सिलेक्ट होता है, जब हम इरेजर टूल चलाते हैं तो वही कलर वहाँ पर रिपीट होता है। अगर आप वाइट कलर में इरेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे देन उसको इरेज करेंगे। तो ये आपका हो जाता है इरेजर टूल का यूज़। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड लेयर पर हैं तो, अदरवाइज़ आपने दो लेयर ले रखे हैं, ठीक है ना, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारी दो लेयर हैं, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ या फिर मैं इसको आधा इरेज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, इसको इरेजर टूल लिया और मैंने इसको इरेज करना चालू कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कोई कलर नहीं आया। क्यों कलर नहीं आया, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेयर है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर आता है और लेयर को इरेज करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लेयर इरेज होती है। मैंने सब कुछ इरेज कर दिया तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका लेयर ब्लैंक हो गया। वही चीज़ हम दूसरी इमेज पर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, मैंने इस पर ले रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ इतना। तो जब मैंने इसको इरेज कर दिया तो देखिए ये एक्चुअल जैसी इमेज है वैसी आ गई, लेकिन जो हमने मल्टीप्लाई इफेक्ट दिया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर सॉरी कलर वन का ऑप्शन दिया था, वही वाला शो कर रहा है। अब हम आते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल में देखिए क्या होता है, मैंने जैसे इमेज ले रखी है, ठीक है ना, बैकग्राउंड इरेज अभी हमारी इमेज है। अब मैं यहाँ पर ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। ब्रश का साइज़ बड़ा करने के बाद मैंने इस लेयर को डिलीट कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ, ठीक है ना, ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया। अब मैंने इसको चलाना चालू करा, यहाँ पर देखिए हमारा जो लास्ट लेयर होता है यानी ट्रांसपेरेंट जो लेयर होता है वहाँ तक ये हटा देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इरेजर टूल से इरेज करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड कलर फिल होता है, बट अगर हम बैकग्राउंड इरेज टूल से इरेज करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड भी इरेज होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, लाइक टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है कि कितना आपको एरिया एक साथ में इकट्ठा इरेज करना, जैसे कि आप यहाँ से ले रहे हैं तो जो ब्लरिंग टाइप में, जैसे मैं यहाँ से टॉलरेंस इसकी कम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें ये देखिए अरे आप बीच बीच का एरिया और थोड़ा टाइम ले रहा है इरेज करने में, लेकिन जब हम टॉलरेंस यहाँ से बढ़ा देते हैं और ये आपका एक बार में इरेज कर रहा है, तो टॉलरेंस का यूज़ ये होता है। ठीक है ना, अब हम आते हैं यहाँ से मैजिक रेस टूल। मैजिक रेस टूल में क्या होता है कि मैं जिस एरिया पर क्लिक करूँगा जहाँ तक वो सेम कलर उसको मिलेगा, देन वो पूरा एरिया कलर एक बार में इरेज करने जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इस वाली इमेज पर आता हूँ, मैं इस वाली इमेज पर देखिए अब लगभग सारा कलर सेम ही है, कुछ अलग है, तो मैंने क्लिक किया तो सारा का सारा कलर इसमें से इरेज हो गया जहाँ तक उसको सेम कलर मिला उतना। अब हम दूसरी इमेज पर आते हैं, मैं इसको हटाता हूँ इस वाले लेयर को, और मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जहाँ तक इसको सेम कलर मिला, 0.1% भी ऊपर नीचे होता है वो एरिया उतना छूट जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसको मिला, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका जो होता है मैजिक इरेज टूल का यूज़ हो गया। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया तीन टूल के बारे में, तो आप इन तीन टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और आप कमेंट में जो भी आपको दिक्कत आया तो कमेंट में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप उसको रिप्लाई करूँगा। और ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं हो पाते कमेंट में क्लियर हो पाते तो मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते मैं कुछ शॉर्टकट कीज़ बता रहा हूँ तो आप उनको याद करना है और उनका यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों मैं शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। तो दोस्तों उसमें नंबर वन पर आपकी है शॉर्टकट की प्रिंट। प्रिंट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी शॉर्टकट की आती है आपकी कॉपी की। तो
तो हमने कोई पार्ट सेलेक्ट कर रखा है, हम उसको डुप्लीकेट करना है, तो हम कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं। तो हमने यहाँ से कंट्रोल प्लस सी, अब हमने जो पार्ट कॉपी किया उसको पेस्ट करना है, तो आप उसको पेस्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। अब आप कट पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कट की शॉर्टकट की देखेंगे तो कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप फाइल आपने क्लोज़ करनी है तो क्लोज़ फाइल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगर आप फोटोशॉप से एग्ज़िट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। तो दोस्तों ये शॉर्टकट कीज़ हैं, आप लोग याद कीजिएगा और इनका यूज़ करके आप काम कीजिएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्ते।